बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ 17 वीर कुंवर सिंह का रिवीजन करा रही हूँ, जिसका कुछ हिस्सा मैं करा चुकी हूँ। तो आज मैं आपको उसके आगे के हिस्से को कराने चल रही हूँ। थोड़ी सी कहानी को मैं ऊपर से ले चलती हूँ पुनरावृत्ति के तौर पर, कि जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना को जगाया। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर सक्रिय योजनाएं बनाई और 1845 से 46 तक काफी सक्रिय रहे। गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजनाएं बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर के मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। अब बिहार का सोनपुर का जो मेला है वो बहुत बड़ा पशु मेला है, जो कि मैं आपको हाईलाइट कर दूं, आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि बिहार का सोनपुर का मेला, बिहार का सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, पशु मेला। एशिया का ही सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है सोनपुर का मेला। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। आपको संक्षिप्त प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है, तो ऐसी चीजों को आप बिल्कुल हाईलाइट करके अपनी बुक पे रेखांकित कर लिया करिए। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, तो जो ऐसी जरूरी चीजें आती हैं हाईलाइट वाली, वो मैं बोर्ड पे एक दो लाइन लिख देती हूँ कि आपको ध्यान में रहे और आप उसे रेखांकित कर लीजिए। तो सोनपुर के मेले को ही उन्होंने चुना। ये यहाँ इतना बड़ा एशिया का मेला है कि इसमें हाथियों तक की भी क्रय विक्रय होती थी। बहुत विख्यात मेला है, ये ऐतिहासिक मेला माना जाता है। और स्वाधीनता के लिए इन्होंने यहाँ पर इस मेले को इसलिए चुना कि संभवतः लोगों की नजर से बचकर वे इस मेले में अपनी गुप्त योजनाओं को भली भांति कर सकते हैं तैयार, कि अन्यथा किसी भी स्थान पर अगर वो ऐसी गुप्त बैठकों को करेंगे तो ब्रिटिश सरकार के लोग, खुफिया विभाग के जो लोग हैं, वे इस बात को जान जाएंगे और उनकी योजनाओं को रद्द कर देंगे। इसलिए उन्होंने ठाना कि मेले को ही अपनी योजना स्थल के रूप में बना के उन्हीं भीड़ भरे स्थानों में उन्होंने योजनाएं बनाई। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। अब 25 जुलाई 1857 को दानापुर, पटना के पास की जो जगह है, वहां पर सैनिक टुकड़ियों का एक विद्रोह हुआ और सोन नदी पार करने की ठानी गई। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस समय उन्होंने मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी, कैदियों को आजाद करा लिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। कहने का तात्पर, दानापुर की सैनिक टुकड़ी जो थी, एक बार उसने विद्रोह ठान लिया कि हम किसी भी रूप में कुंवर सिंह का साथ देकर हम इस दानापुर को मुक्त करा के यहाँ हम अपना शासन चलाएंगे। तो वे ठान लेते हैं और वहां के सैनिक जेलों में कैद लोगों को छुड़ा करके कुंवर सिंह की जय जयकार करते हुए आरा पहुंच जाते हैं। वहां से कैदियों को छुड़ा लेते हैं और हिम्मत जुटाकर एक बार आक्रमण बोलकर वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में उन्होंने आरा पर भी
विजय प्राप्त कर ली। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि हमारे सैनिक भारतवासी अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए जब तक एकजुट नहीं होते तब तक ये आज़ादी संभव नहीं थी। इसलिए 1857 में जो एक दो प्रमुख भारतीय सेनानियों में से नाम लिए जाते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में भारतवासियों ने अपने आप को समर्पित कर दिया और उस समर्पण का भाव ये था कि वे एकजुट हुए, योजनाएं बनाए, किस किस रूप में अनेक जगहों पर पहुंचे, टुकड़ियों में विभाजित होकर के कैसे उन्होंने अपनी योजनाओं को कारगर रूप प्रदान किया, ये सारी चीजें जो हैं इसमें बताई गई हैं। तो ये सब कुछ इसमें बताया गया है और आरा पर भी विजय प्राप्त कर ली। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। अब वीर कुंवर सिंह तो सर आंखों पर थे, सिपाहियों ने उन्हें सलामी दी। यद्यपि वीर कुंवर सिंह बहुत युवा नहीं थे, वृद्ध हो चले थे, काफी वृद्ध होने के बाद भी इनकी अपनी अवस्था के बाद भी इनके अंदर हिम्मत की दाद देनी चाहिए, हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहते थे। आरा क्रांति इनके लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। दानापुर आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार के सर्वत्र व्याप्त हो गई। अब दानापुर और आरा की जो ये लड़ाई थी इसमें बिहार भर में ये बात फैल गई। लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों और अंग्रेजों के साथ सहयोग करना, आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास उस समय इतने आधुनिकतम साधन नहीं थे, शस्त्र नहीं थे, हमें अपने कार्य योजनाओं को कारगर रूप देने के लिए कोई न कोई सहारे की जरूरत होती थी। अगर वो सक्रिय सहारा हमें नहीं मिलता तो फिर हमारे लिए बहुत कठिन होता। आरा और दानापुर की ये जो पीछे ऊपर आया है उदाहरण, वो स्थिति ये हो गई कि शस्त्रों की कमी ने जगदीशपुर को छीन लिया और उसका पतन नहीं रोका गया। अंत में 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। तो किस तारीख को? 13 अगस्त को। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना कुंवर सिंह की जो सेना थी वो अंग्रेजों से परास्त हो गई। अंग्रेजों से परास्त हो गई। फिर भी कुंवर सिंह का आत्मबल अधिक उम्र के बावजूद भी जिंदा था। कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं, वे आगामी योजना बनाने लगे कि अब आगे की योजना में हमें क्या करना है।
वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर आजादी की लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाना है इसके बारे में सोचने लगे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ तक पहुंच गए। यानी कि इन्होंने अपने क्षेत्र का विकास कहां कहां किया, इन्होंने अपने क्षेत्र का विकास कहां कहां किया, कैसे ये सारी जगहों को अपने में मिलाते गए। कुंवर सिंह कहां से कहां पहुंचे ये आप ध्यान में रखिए। सासाराम से मिर्जापुर, सासाराम से मिर्जापुर, सासाराम से मिर्जापुर, रीवा, कालपी, कानपुर, रीवा, कालपी, कानपुर, रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ, कानपुर, लखनऊ, लखनऊ तक गए। तो ये सब जो जगह है बहुत महत्वपूर्ण हो गई, तो आपको इनको भी ध्यान में रखकर चलना होगा। और उनकी वीरता की जो कीर्ति थी पूरे उत्तर भारत में फैल गई। लोग वीर कुंवर सिंह को अच्छी तरह जानने लगे, उनके नेतृत्व की सलाह लेने लगे कि किस तरह उनके नेतृत्व में कार्य करना है, योजनाएं बनानी है। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। अब जैसे जैसे कुंवर सिंह क्षेत्रों का विकास करते जा रहे थे, वैसे वैसे ही अंग्रेजों के होश उड़ गए। उन्हें लगा कि उनकी आजादी अब छिनने के कगार पर है। कई स्थानों के सैनिक राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े, यानी कुंवर सिंह के आगे बढ़ने पर कई राजाओं ने उनकी मदद की, उनके साथ रहकर उनके नेतृत्व को स्वीकार किया, उनकी अधीनता में लड़ाई लड़ी। उनकी यह आजादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इसी प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदान करते हुए वो लखनऊ पहुंच गए। कहने का तात्पर, धीरे धीरे उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाया और सासाराम, मिर्जापुर, रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ से आगे बढ़ते हुए पूरे उत्तर भारत को, और उसके बाद ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के साथ मिलकर सारी योजनाओं को रूप प्रदान करते हुए लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था कि अब वो आजमगढ़, इलाहाबाद, बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना, अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। जो जगदीशपुर उनके हाथ से निकल गया था उसको वापस अपना अधिकार क्षेत्र बनाने के लिए उन्होंने ठाना कि अब वो आजमगढ़, इलाहाबाद और बनारस को अपने कब्जे में लेते हुए युद्ध करेंगे, ब्रिटिश हुकूमत से के लोगों को यहाँ से मार भगाएंगे। और धीरे धीरे जिस जगदीशपुर को उन्होंने गंवा दिया था उसे वापस अपने कब्जे में लेना है, ये उनकी जिद थी। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों और कुंवर सिंह के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ, जिस युद्ध का परिणाम क्या था कि 22 मार्च 1858 को उन्होंने आजमगढ़ पर वीर कुंवर सिंह ने
ने आजमगढ़ पर भी कब्जा कर लिया। आजमगढ़ पर भी कब्जा कर लिया। अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। अब उनका उत्साह और बढ़ गया और उस उत्साह का परिणाम ये था कि उन्होंने छीनी हुई जगदीशपुर की राजधानी को, जगदीशपुर के राज्य को अपने कब्जे में लेने के लिए उन्होंने अपने कार्य को विस्तार दिया और एक एक क्षेत्र पर कब्जा जमाते हुए वे आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ते हुए अंग्रेज ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया और वीर कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया, उनकी सेना को परास्त किया और अंततः 23 अप्रैल 1858 को अपनी स्वाधीनता पताका जगदीशपुर में उन्होंने फैला दी। अब मैं थोड़ी सी जो चीजें जरूरी है हाईलाइट करने वाली ताकि आप अपने बुक पर उसको रेखांकित करते चलिए, जो मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रही हूँ आप उसको अंडरलाइन करते चलिए अपनी बुक पर, जिसपे आपको किसी भी तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 23 अप्रैल 1858 को दोबारा वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर पर अपनी विजय पताका फहरा दी। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, अंग्रेजों का झंडा, इस चीज को भी उतार लीजिए आप अपने नाम में, अंग्रेजों के झंडे का जो नाम था यूनियन जैक, अंग्रेजों का झंडा, आपसे बहुविकल्पी प्रश्नों में भी ये पूछा जा सकता है। उतार कर अपना झंडा फहराया। उसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। छब्बीस अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का निधन हो गया। ठीक है।
तो अंततः अपने अधिक उम्र के बावजूद उन्होंने हिम्मत जुटाई और इस 1857 के युद्ध को कुछ ही समय के लिए इतना विस्तार दे दिया कि सारी जगहों को धीरे धीरे अंग्रेजों से मुक्त करा, ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाने का रास्ता खोलकर 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का निधन हो गया, संसार से उन्होंने विदा ले ली। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। इनकी कुशलता की बात करें कि ये छापा मार युद्ध करते थे, छापा मार युद्ध में इन्होंने महारत हासिल कर रखी थी। अचानक किसी स्थान पर धावा बोलकर उस स्थान को अपने कब्जे में ले लेना छापा मार युद्ध की विशेषता थी। युद्ध कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे, उन्हें समझ में नहीं आता था उनकी रणनीति। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कटकर मर जाना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित है। अब इनकी बहादुरी की बात के लिए एक किस्सा जो इस कहानी में आगे बताया गया है, मैं उसे अब आपको बताने चल रही हूँ। लेकिन कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि वीर कुंवर सिंह के लिए उम्र आड़े हाथों नहीं आई, बल्कि उन्होंने इतनी अधिक उम्र में भी एक युवा होने का परिचय दिया। कैसे भारत के लोगों को, कैसे लखनऊ, कानपुर, बिठूर, झांसी, ग्वालियर, बनारस, इलाहाबाद, आजमगढ़, ऐसे विशेष उत्तर के क्षेत्रों को उन्होंने अपनी हिम्मत और ताकत से अंग्रेजों के चंगुल से निकाल करके मुक्त किया। और तो उनकी वीरता जो थी ऐसी अनोखी थी जिसका वर्णन पाठ में किया गया है। एक बार की बात है कि वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करना था। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी कि वीर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने चारों ओर ये अफवाह फैला दी कि जिधर से उन्हें जाना था उसके ठीक उल्टे दिशा की ओर फैला दी कि हमारी सेना अलग स्थान से गंगा पार करेगी। अब ये बात हवा की तरह अंग्रेजों के बीच फैल गई कि वीर कुंवर सिंह की जो सेना है वो बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, जो अंग्रेजों का सेनापति डगलस था वो भी तैयार हो गया, अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर किनारे पहुंच गया और सोचा कि वीर कुंवर सिंह की यही प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही ये अपनी सेना को लेकर गंगा पार कराने की कोशिश करेंगे, हम उन्हें कैद कर लेंगे या मौत के घाट उतार देंगे। तो उन्होंने ये सोच करके अपनी सेना के साथ डगलस ने उसी स्थान पर जमावड़ा डाल दिया। वीर कुंवर सिंह ने जब देखा कि अंग्रेज डगलस उनका पीछा कर रहा है, और तो उन्होंने बलिया ना पहुंचकर बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर ही अपनी सेना को इकट्ठा कर लिया और वहीं से वो नाव द्वारा गंगा पार करा दिए। एक एक करके छोटी छोटी नावों में, विभिन्न टुकड़ियों में एक एक करके वो तमाम सैनिकों को पार कराते गए। और कुंवर सिंह को तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी, उनकी हिम्मत और ताकत की बात है कि उनकी पूरी सेना धीरे धीरे गंगा पार कर चुकी थी। अब मात्र कुंवर सिंह शेष बचे थे गंगा पार करने के लिए। एक अंतिम नाव रह गई थी और वीर कुंवर सिंह अंत में उसी पर सवार हो जाते हैं।
और गंगा पार करने के लिए चल पड़ते हैं। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया जब उन्हें ये सूचना मिली कि जिस योजना के चलते वीर कुंवर सिंह गंगा पार करने के स्थान को बदल दिए, वहां पहुंचने में अंग्रेज सेना को कुछ विलंब हुआ और जब वो पहुंचे तब तक वीर कुंवर सिंह की लगभग सेना जो थी वो पार कर चुकी थी गंगा। मात्र एक छोटी सी नाव बची थी जिस नाव पर उन्होंने स्वयं वो सवार हुए और उन्होंने ठाना कि अब वो गंगा पार करेंगे। तभी डगलस वहां पहुंच जाता है, उसको भी अच्छा मौका मिलता है। उसने गोलियां बरसानी शुरू कर दी और उसमें से तमाम गोलियों में से एक गोली कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई निकल गई और वो घायल हो गए। कुंवर सिंह को लगा कि अब तो हाथ बेकार हो ही गया है, गोली का जहर भी फैलेगा। उन्होंने सोचा कि कुछ और करना चाहिए और मौका देखते ही उन्होंने अपनी हाथ बेकार होने वाले हाथ को एक क्षण के अंदर भावपूर्ण नेत्रों से गंगा मैया को अर्पित कर दिया, अर्थात अपने बाएं हाथ को काट कर गंगा मैया को सादर समर्पित कर दिया। एक पल नहीं सोचे कि उन्हें आगे क्या होगा। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। उन्होंने ऐसा लगा कि गंगा मैया को अपने हृदय की बात सुनाई हो और ये कहा है कि अपनी इस छोटे से सैनिक से ये छोटी सी भेंट आप स्वीकार करिए, और ऐसा कहकर उन्होंने अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किया। अब वीर सैनिक होने के कारण मात्र अंग्रेजों का सामना करना ही उनका उद्देश्य नहीं था। अंग्रेजों का सामना करने के साथ साथ उन्होंने तमाम सामाजिक कार्य भी किए। जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, स्कूल का भवन बनवाया। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने अनेक स्थान पर अनेक सुविधाएं प्रदान की। उनमें से एक जो सबसे बड़ी सुविधा थी, आरा जगदीशपुर सड़क, आरा बलिया सड़क का निर्माण कराना। ये सड़क हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो गई। उस समय जल की आपूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे, तालाब बनवाते थे, तो वीर कुंवर सिंह ने भी अनेक कुएं खुदवाए, जलाशय बनवाए, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। और ये कार्य उस समय बहुत पुण्य का कार्य समझा जाता था। जलाशयों को बनवाना, कुओं को खुदवाना, ये कार्य जो था बहुत पुण्य का कार्य था जिसको कि उन्होंने करवाया। और लोकप्रियता की एक अपनी चरम जिसको कहते हैं उन्होंने पाई थी। उनके लिए उदारता और संवेदनशीलता की बात अगर करें तो वीर कुंवर सिंह बड़े ही उदार व्यक्तित्व वाले अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। और सांप्रदायिक सद्भाव की भावना तो जैसे उनमें कूट कूट के भरी थी। उनकी सेना में, उनके साथ उठने बैठने वाले लोगों में कभी भी सांप्रदायिकता का भाव आड़े नहीं आया। वो सब मिलजुल कर एक साथ रहते थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन को तो उन्होंने अपनी सेना में उच्च पदों पर आसीन किया था। ये था उस समय का हिंदू मुसलमानों के प्रति प्रेम, आपसी प्रेम, जिसमें एक साथ मिलकर लोग कार्य करते थे। भारत माता को आजाद कराने के लिए हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों ने भी उतना ही अपना सादर भाव अर्पित किया धरती माँ को, और मिल करके वे त्योहार मनाते, मिल करके ही वो ईद और होली मनाते। कहीं कोई भेदभाव नहीं होता, कहीं कोई किसी को कष्ट ना हो। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब बनवाए, यानी शिक्षा का जो अभाव बाल्यावस्था में कुंवर सिंह ने देखा था
जिसके कारण उनके पिता ने उन्हें घर पर ही शिक्षा दीक्षा दिलवाई थी और उसी कारण उन्होंने जगह जगह पाठशालाएं और मकतब बनवाए कि ताकि लोगों को भली प्रकार शिक्षा प्राप्त हो सके। और बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्त लोकगीत के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, चला गया यो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जी, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसवनी भूमि धन्य हो, धन्य वीर वह धन्य अतीत। यानी कि वीर कुंवर सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए, उनके साहस का वर्णन करते हुए ये कहा, अरिदल यानी जो दुश्मनों का समूह था उनके साहस को देखकर कांप जाता था, दुश्मन भयभीत हो जाते थे। और वीरों को जन्म देने वाली हमारी ये जो भूमि है, वीर प्रसवनी, ये भूमि जो है हमारी, ये धन्य है ऐसे वीरों को जन्म देके इसका वर्तमान भूत और अतीत सब धन्य हो गया वीर कुंवर सिंह जैसे वीर को जन्म देकर। तो मैंने आपको पाठ वीर कुंवर सिंह की जो कहानी थी वो आपको समझाई और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।